एक दफा का जिक्र है, एक बदकिस्मत आदमी समंदर में कश्ती टूट जाने के बायस एक जजीरे पर जा पंसा। वो हर रोज खुदा से दुआ करता था कि आए खुदा किसी को मेरी मदद के लिए भेज जो मुझे यहां से निकाले और मैं अपने घर जा सकूं। लेकिन कोई उसे बचाने ना आया और उसकी मायूसी में इजाफा होता चला गया। कई महीने गुजर गए मगर कोई उसकी मदद को ना आया, तो उस आदमी ने खुद से वहां रहना सीख लिया। इस अरसे में इसने कई चीजें जो इसे इस जजीरे में मिली उन्हें अपनी झोंपड़ी में जमा कर लिया जो इसने खुद बनाई थी। उन चीजों में खाने पीने की चीजें और कई नायाब और कीमती चीजें थीं। एक दिन जब ये खाने की तलाश करके वापस आया तो इसके लिए कयामत का समा था और बेबसी का ऐसा आलम था कि उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी में आग लगी हुई थी और जो कुछ उसने जमा किया था सब जल गया। जो कुछ उसके पास था वो सब जलकर धुआं बन गया था और बचा तो सिर्फ वो लिबास जो उसने पहन रखा था। वो शख्स इंतहाई सदमे में आ गया और गुस्से से पागल होने लगा। अपने गुस्से में उसने मट्टी उठाकर आसमान की तरफ फेंकी और खुदा को बुरा भला कहने लगा और चिल्लाकर कहा, आए खुदाया, तू मेरे साथ ऐसा कैसे होने दे सकता है? मैं इतने महीनों से तुझसे दुआ कर रहा हूँ कि मेरी मदद के लिए किसी को भेज, लेकिन कोई नहीं आया और अब जो कुछ मेरे पास था वो सब आग की नजर हो गया। तू मेरे साथ ऐसा कैसे होने दे सकता है? तूने ऐसा क्यों होने दिया है खुदाया? कुछ देर बाद वो शख्स सर पर हाथ रखे बैठा जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते उसने देखा एक बड़ा जहाज इस जजीरे की तरफ बढ़ रहा है। उस जहाज ने उसे बचा लिया और जब वो आबादी की तरफ जा रहे थे तो उस आदमी ने जहाज के कैप्टन से पूछा, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? कैप्टन ने जवाब दिया, हम समंदर को दूरबीन से देख रहे थे ताकि अपना रास्ता ना भटके, तो हमें धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, तो हमने फैसला किया कि जाकर देखते हैं और वहां तुम हमें मिले। जिंदगी में ऐसे चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स या तबाही जरूर आ सकती है जो आपको तोड़ कर रखते, लेकिन याद रहे, अगर शैतान हमें बुरा वक्त दिखाने के लिए तोड़ सकता है तो खुदा उसी बुरे वक्त में हमें फिर से बहाल कर सकता है। इसलिए बुरे वक्त में घबरा ना जाना और ना ही खुदा को बुरा भला कहना, क्योंकि जिस वक्त तुम खुदा को बुरा भला कहने में बिजी होगे उस वक्त खुदा तुम्हें बचाने में बिजी होगा। आपकी तबाही किसी बरकत का आगाज भी हो सकती है, क्योंकि खुदा बुराई में अच्छाई को पैदा करना जानता है। कलामे मुकद्दस में लिखा है, सादिक चिल्लाए और खुदावंद ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है।